गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, क्यों आया था ये एग्जिस्टेंस में, कौन लेके आया था एंड व्हाट आर द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करता है, एजुकेशनल लेवल के बारे में बात करता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में बात करता है। सो लेट इस गो इन टू डिटेल ऑफ इट। सो मीनिंग क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज टू मेजर अ कंट्रीज ओवरऑल अचीवमेंट इन सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशंस। यानी कि जो हमारा जीडीपी होता है, जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं और जीडीपी इज वन ऑफ देम। सो जीडीपी सेज इकोनॉमिक डायमेंशन को कंसिडर करता है और उसके बेसिस पे रैंकिंग करता है कंट्रीज का कि वेदर द कंट्रीज आर डेवलपिंग और नॉट। बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एंड इट सेज दैट वी हैव टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डायमेंशन बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सोशल डायमेंशन विच इंक्लूड हेल्थ ऑफ पीपल, लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ ऑफ पीपल, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड अटेनमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो थ्री फैक्टर्स, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तीन क्राइटेरिया को इंक्लूड करता है HDI। अब बिफोर गोइंग फर्दर इसकी हिस्ट्री जानने के लिए या फिर उसके क्रिटिसिज्म जानने के लिए, इसके एक स्टैटिस्टिक्स आप जान लीजिए कि इंडिया की जो 2019 रिपोर्ट आई थी, UNDP की रिपोर्ट जो आई थी, उसमें इंडिया की रैंक थी 129th पोजीशन। दैट इज वन रैंक अबव द लास्ट ईयर्स रैंकिंग आउट ऑफ अ टोटल टोटल कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इस इंडेक्स में, वो 189 कंट्रीज हैं जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग है 129। हाउएवर इंडिया रिमेन्स द होम ऑफ 364 मिलियन पुअर पीपल, दैट इज 28% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ग्लोब में जितनी पॉपुलेशन का 28% पॉपुलेशन जो कि पुअर है वो इंडिया में है। ये हमारे स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं। अब आगे लेट इस अंडरस्टैंड वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। द ओरिजिन ऑफ HDI कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश बाय UN। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP डिविजन ऑफ UN, विच इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इंडेक्स कौन लेके आया था? ये इंडेक्स लेके आए थे महबूब उल हक, हु इज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट। उन्होंने इस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बारे में लोगों के बीच में, इकोनॉमिस्ट के बीच में, अकेडमिशियंस के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में से पब्लिश किया था। ये इंडेक्स क्यों लेके आए थे? इन्होंने बोला था कि फोकस ऑफ डेवलपमेंट शुड नॉट बी जस्ट अबाउट नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स में एक कंट्री की कितनी इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट हो रही है, सिर्फ वो फोकस नहीं होना चाहिए। फोकस ये भी होना चाहिए कि पीपल सेंट्रल पॉलिसीज कितनी बन रही हैं, लोगों का कितना सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, यानी कि लोगों की कितनी लिटरेसी लेवल बढ़ रही है, लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बढ़ रहा है। ये सारे फैक्टर्स को हमें डेवलपमेंट में कंसिडर करना चाहिए, ना कि सिर्फ जीडीपी यानी कि फिगर्स के बारे में बात करना चाहिए। इन्होंने ही वर्कड अलॉन्ग विद मेनी अदर इकोनॉमिस्ट एंड ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंक्लूडिंग अमर्त्या सेन, हु इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट। आप सब जानते होंगे अमर्त्या सेन के बारे में। महबूब उल हक एंड अमर्त्या सेन, आई हैव डेडिकेटेड दिस पर्टिकुलर स्लाइड टू देम बिकॉज इनिशियली क्या हुआ था, सेन इनिशियली डिसअग्री टू महबूब आइडिया ऑफ HDI। उन्होंने बोला था कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेजर करना ह्यूमन की डेवलपमेंट को, एक्चुअली फिगर्स में लेके आना इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज ऑब्वियसली इट कॉम्प्लिकेट्स द गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन मेकिंग। तो इनिशियली उन्होंने मना किया था, बट लेटर ऑन ही रियलाइज दैट दिस कैन एक्चुअली बी अ न्यू इनोवेशन इन द इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट कैन ग्रेजुअली, गिवन द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, government can gradually adopt to it. So later on he helped Mehboob to develop it more comprehensively. अब इसके dimensions क्या हैं? Dimensions human development index के हैं long and healthy life. अब long and healthy life हम कैसे measure कर सकते हैं कि life expectancy at birth अगर ये increase हो रही है किसी nation में, यानी कि लोग ज़्यादा जी रहे हैं, लंबा जी रहे हैं। life expectancy index को हम human development index का one dimension is the first dimension. The second dimension is knowledge. Education level कितना increase हो रहा है लोगों का, अगर education index किसी nation का improve हो रहा है तो HDI favorable है. Decent standard of living यानी कि gross national income
पर कैपिटा कितनी इंक्रीज हो रही है, जीएनआई इंडेक्स इसको भी इंक्लूड किया है एचडीआई में। जीएनआई इंडेक्स के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। ग्रॉस नेशनल इनकम, अगर आप शॉर्ट में बताऊं तो ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब कितने हमारे लोग पैसा जनरेट कर रहे हैं विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। सो जीडीपी और जीएनआई में एक फर्क होता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो जीडीपी वर्सेस जीएनआई, तो जीडीपी बात करता है डोमेस्टिक, जीडीपी वर्सेस जीएनआई, जीडीपी बोलता है कि कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है। अब जब यूएस की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट आके इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको तो हम जी उसकी जो जितनी प्रोडक्शन है उसको हम इंक्लूड करेंगे अपने जीडीपी में, बट जीएनआई में हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कंट्री के लोगों ने इसे प्रोड्यूस नहीं किया। अब हमारे कंट्री के लोग टाटास अगर बाहर जाके यूरोप में जाके इनकम जनरेट कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस नेशनल इनकम। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर इसके बारे में आप जानना और डिटेल में समझना चाहते हैं तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। सो मूविंग ऑन, अब फिगर्स पे आ जाते हैं। इंडिया की रैंक आपको मैंने बता चुकी है कि इंडिया रैंक्स अराउंड 129 अमंगस्ट ऑल द 189 कंट्रीज। एंड व्हाट इज द रैंकिंग गिवन, ये 2018 का 18-19 का डेटा है जिसमें कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया एंड आयरलैंड, आइसलैंड एंड स्वीडन, सिंगापुर एंड नीदरलैंड, दीज आर द टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब इसके क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म है इट इज बेस्ड ऑन इगैलिटेरियनिज्म। सो व्हाट इज इगैलिटेरियनिज्म? दैट इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अगर हम डेवलपमेंट में अगर इकोनॉमिक फैक्टर्स को यानी कि अकाउंटिंग फैक्टर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ सोशल फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, एकदम सोशलिस्ट इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे, तो वो हमारे में एक्चुअली में एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। बिकॉज ये जो एचडीआई बात करता है, एचडीआई का फ्रेमवर्क ही इस तरीके से बना है कि ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के में ऊपर अगर एप्लीकेबल करा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब कोई एकदम जैसे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, हमें मनी की जरूरत, हमें चाहिए था कि हमारे मॉनेटरी वेल्थ इंक्रीज हो, हमारे फॉरेक्स इंक्रीज हो, फॉरेक्स रेशियोज इंक्रीज, रिजर्व इंक्रीज हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था? हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था। अब उस टाइम पर अगर हम सोशल फैक्टर्स के ऊपर कंसिडर करते, पब्लिक पॉलिसीज हमारी ऐसी डिज़ाइन होती कि इनकम इक्वालिटी के बारे में फोकस करना, ये सब चीज़ों के बारे में हम सोचते तो शायद हम इतना डेवलप नहीं हो पाते। सो यही उसका बेसिक क्रिटिसिज्म भी यही है कि ये उन कंट्रीज के बारे में बात करता है जो कि एक सर्टेन लेवल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, एंड नॉट एक्चुअली अबाउट डेवलपिंग नेशन और हु हैव नॉट वो जस्ट लोअर देन दैट। सो दिस वॉज द बेसिक क्रिटिसिज्म। देन नो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन, यानी कि इसमें तीन फैक्टर्स हैं बट उसमें इन्वायरमेंट को भी शुड ऑल्सो बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बिकॉज अगर कोई कंट्री डेवलप कर रही है, अपने इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही है, तो सस्टेनेबिलिटी हम नहीं अचीव कर सकते हैं जो कि इस मॉडल में इग्नोर्ड है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट टॉक्स अबाउट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट टॉक्स अबाउट एजुकेशन, इट टॉक्स अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। टेक्नोलॉजिकली कितनी कंट्री एडवांस हो रही है वो पूरी तरीके से इंक्लूडेड नहीं है। ऑल दो सम पार्ट इट इज इंक्लूडेड इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट नॉट कम्प्लीटली। देन ह्यूमन सिविलाइजेशन इज नॉट इंक्लूडेड डेवलपमेंट फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव। अब जब मैंने आपको बताया कि डेवलप्ड नेशंस ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, उनके पास एक सर्टन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, वो ये सारी चीज़ों कंसिडर कर सकते हैं अपने पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, बट एक डेवलपिंग इकोनॉमी को कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि लोगों के फेवर में नहीं होते हैं बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर देम। एंड फॉर्मूला, अगेन अनदर क्रिटिसिज्म इज द फॉर्मूला ऑफ एचडीआई कीप्स ऑन चेंजिंग अंडर यूएनडीपी। सो देर इज कंटिन्यूस रिविजन ऑफ, जैसे डेटा अपडेट होता है तो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द criticism of HDI, although this the last criticism that I've discussed, ये UNDP actually में criticism consider नहीं करता है। UNDP बोलता है कि revision the fact data का करना ही पड़ेगा, there is no choice about it, and the formula is, what is the formula that I'm talking over here is, it is the geometric mean of all these three factors, इन तीनों factors को मिलाकर इनका geometric mean is the HDI. So I hope this concept is clear to all of you. Thank you so much. Keep learning, keep watching.